हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैंने बहुत पानी भर के गर्म रख दिया है क्योंकि देव को बार बार पानी गर्म देना पड़ता है और मैं भी गर्म पानी पी रही हूँ। तो पहले पानी भर के रख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन पीस के रखा था। तो मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ, गोभी की, मटर, टमाटर, सारी चीज़ें डाल के, थोड़ी रसी वाली। और फिर इन्होंने कहा कि चीला बना लो सब्जी। हमने चौंक दी, तब तो मम्मी का फोन आ गया, कह रही तुम चली गई एकदम से। और यहाँ देखो, देव अपनी की तबीयत बिल्कुल ठीक रही और वहाँ पे जाके खराब हो गई, बुखार आने लगा। उन्होंने कहा कोई नहीं, हो गई वो। तो मम्मी से बात भी करती जा रही थी, सब्जी भी चौंकती जा रही थी। तो इन्होंने बीच में कहना चीला बना लो। हम मेरा मन था कि सब्जी बना लेती हूँ, बाद में थोड़ा बहुत कुछ बना दूंगी और ढोकला बना लेते हैं। तो फिर इन्होंने कहा नहीं, चीला बना लो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। टमाटर वगैरह रखे हुए थे तो हमने चटनी पीस ली और चीला की तैयारी करी। जब सब लोग खाएंगे तभी सेक सेकते जाएंगे। और फिर मेरा भी मन कर रहा कुछ भी खाओ, एकदम एकदम कड़वा कड़वा सा रहता है बुखार की वजह से। तो मैं चीला सीखती जा रही हूँ और ये प्लेट इनकी लगा दी है। चाय है, चटनी, टमाटर सॉस, चीला। आप लोग भी आ जाइएगा। और मैं चाय भी पीती जा रही हूँ, चीला सबके लिए सेकती जा रही हूँ। बाद में मेरे पैर इतने दर्द करने लगे खड़े होके, फिर दीदी ने हमने दीदी से कहा दीदी आप सेक लो, मेरी किचन कितनी गंदी लग रही है, आज मैं इसका मेकअप करूँगी। और यहाँ पे चीला हमारा भी नाश्ता हो रहा है, आप लोग आ जाइएगा। और यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे धुले हुए, मैं कुछ अनुज को पैसे दे रही थी, किसी चीज कुछ मंगाया था हमने सारे। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने जो होता है लगा देती हूँ धुले हुए। और 2 दिन से मन ही नहीं कर रहा था उसके कमरे का, चलो सिर्फ मैं कपड़े लगा देती हूँ। कुछ नए कपड़े हैं, कुछ इनके कपड़े सेफ में लगा देती हूँ, अपने अलमारी में बच्चों के। तो बस यही सब करने में लगी हुई, मन नहीं कर रहा। फिर भी थोड़ा बहुत उठती हूँ, थोड़ा बहुत करने लगती हूँ, फिर से लेट जाती हूँ। बस ये चल रहा है मेरा। तो खाना खाने का तो बिल्कुल कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता है। चीला बनाए एकदम से अजीब सा लग रहा था, पूरा घर अपनी देव भी है। कुछ कह रहे थे, आप नहीं कह रही थी मैं भैया के साथ दुकान पे जाऊंगी। और यहाँ पे देव आज आए हैं, आज ये थोड़े से उठे हैं, वरना 2 दिन तो बिल्कुल उठे ही नहीं थे देव, बिल्कुल लेटे रहे लेटे रहे। बस उनके गोदी में लिटा लेते थे, कहीं हम कहते थे इनके कहीं पीठ में दर्द हो रहा होगा तो चलो इनको थोड़ा गोद में ले लेते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि दादी घर जाना है और इनके पापा मना कर रहे हैं कि नहीं आज जरा सा तुम चले हो, शाम के टाइम थोड़ा बहुत खेलें। और फिर मैंने कहा चप्पल पहन लो चलो मैं छोड़ के आती हूँ। इनके पापा को देख के आ गए थे हम, इनको छोड़े हो दादी घर पे, हम तो नहीं जाएंगे। तो फिर इनके पापा लेके गए इनको। और उसके बाद में ये सुबह की क्लिप है शुक्रवार की, तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। और थोड़ा यही काम मन नहीं कर रहा, थोड़ा सोच रही हूँ झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। एक दिन ना करूँ ना तो मुझे मेरा खुद मुझे उलझन लगने लगती है कि घर गंदा सा लग रहा है। ये कहते थोड़ा बहुत पानी में कम काम किया करो अभी थोड़े दिन, बीच बीच में इतनी खांसी आ रही है, दवाई वगैरह बराबर ले रही हूँ मगर कोई पता नहीं क्यों सर्दी इतनी ज़्यादा लगी हुई है। और फिर मैंने नहाने के बाद में फिर यहाँ पे मैं सब्जी सिर्फ सिंपल सी प्याज आलू की सब्जी बनाऊँगी और पराठा सेक दे रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने के लिए पराठा सेक दिया, नमक डाल के इनको आधा आधा दे दिया, आधा देव के लिए आधा इनको।
ये स्टिकर मंगाया था मैंने घर जाने से पहले, तो वो दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोन फैमिली ब्लॉग में। और यहाँ पे ये स्टिकर मंगाया था मैंने मीशो से, मतलब हम घर गए थे उससे पहले मंगवा लिया था, पर इसमें काम थोड़ा ज़्यादा था किचन में तो नहीं फिर मैं लगा पाई थी। तो अब यहाँ पे हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ आज देख लेती हूँ, आप लोगों को भी नहीं दिखाया। और देखो ये कितनी सतानी कर रहा है, थोड़ा पराठा जल गया तो बार बार दिखा रहा है, ना अच्छे से उन लोगों ने देखा नहीं है तो गलतियां हो जाती हैं। मुझसे पराठा थोड़ा जल गया था। और ये देखो अचार है, अचार मांग रहा था और बार बार पराठा दिखा रहा, बार बार पराठा। ये देखो थोड़ा सा जला हुआ है इसलिए बार बार दिखा रहा है, इतने सताने करने में लगा रहता है। और फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था, और फिर मैं इसमें लग गई थी किचन के उसमें, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, आज मन में आ गया तो कर लेती हूँ, फिर ना ऐसे आलसी करती रहूँगी कि आज करेंगे कल करेंगे। और ये बता, इसमें मेरी अलमारी में कीले लगी हुई थी, इस वजह से स्टिकर लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फाड़ दिया, मैंने कहा हटा दो कीले, तो ये कह रहे थे अभी तो नहीं, मेरे पास टाइम है, मैंने कहा चलो छोड़ो, इनके चक्कर में रहेंगे तो आज भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये तो मैंने मीशो से मंगाया था स्टिकर, और बाद बाकी ये पन्नियाँ तो इससे गाँव से ले ली थी। स्टिकर बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे थे तो मैंने सारे के लिए तो नहीं मंगा पाई हूँ। और ये जिले पे बैठ बैठ के ये देखिए, और कैसी लगी मेरी किचन आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। बस ये सब करके मैं फुर्सत हुई, तब तक एक लोग दीदी कानपुर से दो लोग आ गई थी, तो उनके चाय वगैरह, सो दीदी पूछ रही थी वीडियो वगैरह कैसे बनाती हो क्या है, तो देख रही थी तो मैं उन्हीं को बता रही थी। दीदी जो लोग कुछ लोगों ने कहा, मतलब थोड़ा मुझे भी लगा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर कुछ लोगों ने कहा जो तुम्हारी हंसी बनानी थी गांव वालों ने वो तो बना ही दी है, तो तुम वीडियो बनाओ। तो कुछ लोग तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग बुराई भी करते हैं, तो ये सब चलता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो बस दीदी वही देख रही थी। और यहाँ पर चाय नाश्ता लग के हो चुका है रेडी, आप लोग भी आ जाइएगा चाय पीने के लिए, दिखाया नहीं था मैंने उन लोगों को। हेलो दोस्तों, अब मैं ना वीडियो का कर रही हूँ एंड, वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।